म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की किस तरह कामगिरी है, खासकर गटरों को लेकर, इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल जो मेरे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह एक व्यक्ति जब यहाँ से निकला और गटर जो है वो टूटा हुआ था और इसके कारण वो अंदर गिर गया। हालांकि उसके चोट आई और जो यहाँ नज़दीकी दवा हॉस्पिटल है सरदाबेन, वहाँ उसे दाखिल किया गया। लोग स्थानिक लोगों ने जब फ़ोन किया कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन यहाँ पहुँची, बावजूद इसके जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे साथ स्थानिक लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या हुआ था सुबह और कैसा ये अभी जो पूरा यहाँ काम हो रहा है? एक यहाँ का लेबर वर्ग यहाँ कंपनी में काम करता है, वो साइकिल लेके चाय लेके जा रहा था और यहाँ से निकला और यहाँ पर उसको दिखा नहीं। सामने से आप देख सकते हैं, उधर भी पूरा टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ। सामने से गाड़ी आई और साइकिल लेके चला गया और लेफ्ट साइड पर उसका पैर टूट चुका है। हमने यहाँ पर आके, यहाँ काफ़ी लोग थे, यहाँ बात किया, यहाँ पे जो कॉरपोरेटर हैं, जो भी मतलब है उनका म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं, उनने बोला कि एक घंटे में करवाऊँगा और ये करके गए हैं। अभी भी देखिए ऐसे करके गए हैं, कोई सही काम नहीं यही है। कितना खतरनाक मानते हैं जिस तरह से अभी भी जो काम हुआ है वो प्रॉपर? हमने देखा वो आदमी का बेचारा खड़े नहीं हो पाया दूसरी बार में, वो गिरा, उसके बाद खड़े नहीं हुआ। उसको 108 में भेजा हमने, 108 बुलाए उसके लिए। उसके सेठ आए थे, उनकी साइकिल भी लगभग यहीं कहीं खड़ी है, उनकी साइकिल भी उनके सेठ आए थे, वो फिर लेके गए 108 में, 108 भी हमी ने बुलाई। अच्छा, वो आदमी खड़े ही नहीं हो पाया, उसके पाँव में इतना जोर से लगा और ये बाजू की चाय की होटल पे से चाय लेके जा रहा था भाई। अभी भी ये लोगों ने जो काम किया है वो वैसे ही, अगर कोई साइकिल देख रहे हो ना आप, वीडियो बनाओ, आप देख ही रहे हो ना, ये लेवल तो है नहीं। अभी भी कोई आएगा तो कोई ना कोई गिरेगा, अभी भी लेवल है नहीं ये। अभी भी कोई आएगा, अगर कोई स्पीड में आता है तो गिरेगा, तो गिरने ही वाला है वो, और नुकसान होएगा उसको, साथ में गाड़ी का नुकसान होएगा, आदमी को भी लगेगा उसके साथ में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से कॉरपोरेशन ने फिलहाल यहाँ काम तो किया है, ट्रैक्टर आया है, उसने दूसरा जो गटर का ढक्कन यहाँ डाल दिया, लेकिन जो लेबल है आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है, रोड से लगभग आधा फुट, अब देखिए कम से कम आधा फुट जो है वो नीचे गटर है, यानी पानी अगर भरता है तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक खड्डा है, लोग गिरेंगे। और जिस तरह से आज पूरी घटना हुई, यहाँ दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब भाई साहब जरा नीचे ये बताइए, आपके यहाँ से शायद मेरे ख्याल से चाय लेकर जा रहे थे, चाय लेकर इधर गया तो आगे गाड़ी आई, उसको पैर फिसल गया, गटर में गिर गया, उसका पैर टूट गया, एम्बुलेंस करके उसको दवाखाना पहुँचाया। ये आज से तो है नहीं, बहुत दिन से होगा, ये महीने से पहली बरसात गिरी, तब ढक्कन खोल के गए तब से खुला ही पड़ा था। अच्छा, एक महीना हो गया, कल भी वो साहब तो उनको बताया, बोले कल डाल देंगे ऐसा बोल के गए, लेकिन आज उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, उसके बाद में अभी लगा है हाल, अभी 10 मिनट पहले आपने खुद देखा ये पूरा घटना हुआ? पूरा मैंने देखा पूरा। कौन था वो व्यक्ति और क्या हुआ था? वो कारखाने में नौकरी करता, मेरे यहाँ रोज चाय लेने आता है। अच्छा, रोज चाय लेने आता मेरे यहाँ। अब बिल्कुल जिस तरह से लोगों का कहना है, जिस तरह से लोगों की फरियाद है कि आज से नहीं, लगभग एक महीने से ये गटर का ढक्कन टूटा है। बरसात के पहले कॉरपोरेशन दावा करता है कि वो प्री मॉनसून प्लान में सभी गटर साफ करेगा, जो गटर की मरम्मत करने की वो ज़रूरत है वो करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से सरसपुर में मात्र यही गटर नहीं, इसके अलावा बहुत सारी गटर हैं जो आधी खोल दी गई हैं, जहाँ पर लोग अभी भी गिर सकते हैं। लेकिन तंत्र मानो हर एक्सीडेंट का इंतज़ार करता है, एक्सीडेंट होने के बाद वो कामगिरी करता है। सवाल तंत्र की नीयत पर है, सवाल स्थानिक जो प्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता चुनकर भेजती है उनका है, सवाल उन लोगों का है जो टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपए हर साल कॉरपोरेशन को टैक्स देते हैं, बावजूद अगर उनको ये सर्विस मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि तंत्र कितनी बड़ी लापरवाही करता है। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। महानगर पालिका द्वारा चौमासू पहला खास प्री मॉनसून प्लान बनावामां आवतो होय छे, परंतु प्री मॉनसून प्लान जे प्रकारे भारे वरसादना परिणामे જોવા મળતો હોય છે એ ધોવાઈ જતો હોય છે। અત્યારે વાત કરીએ કે અમદાવાદ શહેરમાં કેટલીક જગ્યાએ કેચ પીટોના ઢાંકણા પણ ખુલ્લા છે, જેના પરિણામે અનેક લોકો અકસ્માતનો ભોગ પણ બનતા હોય છે। ત્યારે અમારી સાથે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર સંજયભાઈ, ખાસ કરીને વાત કરીએ કે જે રીતે અમદાવાદના મિલન સિનેમા જે છે એ સરસ જે ચાર રસ્તા પાસે એક કેચ પીટનું ઢાંકણું ખુલ્લું હતું, જેના કારણે આજે એક નિર્દોષ વ્યક્તિ અકસ્માતનો ભોગ બન્યો, શું કહેશો? મારી દ્રષ્ટિએ આ લોકો ઓલવેઝ કાયમ માટે પ્રી મોસમના પ્લાન બનાવે છે, પણ એ લોકોના કાગળ ઉપર જ હોય છે। તમે જોઈ શકો છો કે એક ઇંચ વરસાદ પડે તો રોડ ધોવાઈ જાય, ઢાંકણાઓ ખુલ્લા મૂકી દેવા। આજે અમદાવાદ શહેરની પ્રજાજનોએ જ્યારે મોતના મુખમાં મૂકી દીધી, વિકાસના નામે બરકા પાડનાર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ માત્ર એસી ચેમ્બરોમાં બેસી, ઓફિસમાં બેસીને કોઈ પણ પ્લાન બનાવે છે। મારા અમદાવાદ શહેરની જનતાએ
लाखों रुपया टैक्स कर रहे ये कोना माटे ये जनता की सुखाकारी माटे पर खरेखर आ कुंभकर्ण की निंदा में सूटेला जैसे एमना कमिश्नर हो एमना मेयर सी होना पोता ने कही जगह राहुल मानस बताओ रखियाल हो सरसपुर हो गोमतीपुर हो एक इंच पड़े तरह चार बाजू वरसाद भराई जाए वारंवार रजूआत करवा अवा केसपीठ झाकड़ा जो खुला मूकी दे अने रोड पर कोई नानो छोकरो कोई मारी बहन अटपक भागे एनी जवाबदारी शू शू मान्य मेयर सी मान्य कमिश्नर सी एनु वर्तन आपते तात्कालिक एक विपक्ष नामे एक विरोध पक्ष नामे हूँ ए लोग ने जेना वाग्यू छे खरेखर एना सालवारथी मारी एना वर्तनथी मारी हूँ समग्र रुपयानी एनी मांगणी करूँ छूँ आवो अमदावाद शहेरनी अंदर एक पण अनिच्छे बना ना बना एवा हूँ कमिश्नर साहेब ने हूँ चेतवनी आपूँ छूँ। आता कांग्रेस नेता संजय भाई बहुत स्पष्टपणे कहूँ प्री मॉन्सून प्लान मात्र कागळ उपर बने छे एनो अमल थवो जोईए एटले भारतीय जनता पार्टी मात्र विकासनी वातो करे छे परंतु लोकोने मोतना मुखमां धकेलवानुं काम करे छे त्यारे खास करीने जे व्यक्तिने इजा थई छे एनो तमाम खर्च पण भारतीय जनता पार्टी शासित अमदावाद महानगरपालिकाए उठाववो जोईए तेवी एमना द्वारा मांगणी करवामां आवी छे। कैमरान मुकेश परीख साथे हितेन्द्र बारोट पंचायत टीवी अमदावाद। घर विहोणा ने आवास विकास साथे जन सेवानो मक्कम निर्धार आपनु अमदावाद। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विकास ने अवरोधती झूपड़पट्टी दूर थाय अमदावाद नी प्रगति वधु तेज थाय ते हेतु ने ध्याने राखी अभूतपूर्व निर्णय लेवामां आव्यो। एएमसी स्टैंडिंग कमिटी ना चेयरमैन श्री हितेश भाई बारोट द्वारा जन सेवा अने विकास बन्ने सिद्ध थाय ते माटे झूपड़पट्टी नी जग्याए घर मळी रहे तेओना रहेवानी वैकल्पिक व्यवस्था त्वरित उभी करी शकाय ते अनुसंधाने निर्णय लेवामां आव्यो। एएमसी ना हद विस्तार मां टीपी स्कीम अंतर्गत मळता प्लॉट पैकी गरीब आवास योजना ना प्लॉट मां मकानो बनावामां आवे छे। 28 चौरस मीटरना आ मकानो विविध सुविधाथी परिपूर्ण होय छे। शहेरना जुदा जुदा विस्तारोमां 23,000 वधु आवासोनुं निर्माण थई रह्युं छे તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય। ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।